Good morning, students. I am Suman Narwal from SDS School. Today we read about the topic occupational hazard. We already discussed about the different process through which we will obtain the wool. What is occupational hazard? Wool industry is an important source of livelihood for many people in our country. यानी जो वूल इंडस्ट्री है एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है आजीविका का हमारे देश में रहने वाले लोगों का. द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ शीप इनटू फाइबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर कॉल्ड सॉर्टर्स. यानी ऐसे लोग जो इस टाइप का वर्क करते हैं, मीन्स जो कि फ्लीस होती है शीप की, उसको सेपरेट करने का वर्क करते हैं, चेंज इन टू द डिफरेंट क्वालिटीज आर कॉल्ड सॉर्टर्स. द सॉर्टर्स जॉब इज वेरी रिस्की. सॉर्टर्स की जॉब काफी रिस्की होती है बिकॉज दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स. कई बार वो किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो सकते हैं जिसको क्या नाम दिया एंथ्रेक्स, विच कॉजे और जो कि किसका कारण हो सकती है डेडली ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज. यानी कि एक डेडली ब्लड डिजीज जो कि जिसको क्या कहते हैं सॉर्टर डिजीज. यानी जो रिस्क फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन एन इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. उस इस इंडस्ट्री में वर्क करने वाले लोगों के थ्रू जो रिस्क फेस किया जाता है उनके वर्क के नेचर के कारण उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स. तो सॉर्टर डिजीज क्या है? एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है. नाउ वी रीड अबाउट सिल्क. सिल्क इज ए फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म. सिल्क एक काफी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट और शाइनिंग फाइबर होता है जो कि सिल्क वर्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है इन मेकिंग देयर ककून्स, उसके ककून बनाने के लिए. सिल्क इज कॉल्ड रेशम. सिल्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम बोलते हैं. सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि किस टाइप के इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है? सिल्क मॉथ से. सिल्क इसलिए हमने सिल्क को एक एनिमल फाइबर का भी नाम दिया है. सिल्क फाइबर प्रोटीन से बना होता है. सिल्क एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है. सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क मॉथ. सिल्क फाइबर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिल्क यार्न में, और जिसका यूज हम सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए करते हैं. इन द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. यानी सिल्क वॉर्म की जो देखभाल की जाती है फॉर व्हाट पर्पज? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सेरिकल्चर को हम सिल्क फार्मिंग भी बोलते हैं. इंडिया प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल. इंडिया बड़े पैमाने पर सिल्क का उत्पादन करती है. बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. नाउ वी रीड द हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि बटरफ्लाई के बिल्कुल समान दिखाई देता है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ इज इंटरेस्टिंग बिकॉज सिल्क मॉथ इज नॉट फॉर्म इज सच फॉर्म एग डायरेक्टली. लाइफ हिस्ट्री जो होती है सिल्क की काफी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि सिल्क मॉथ सीधे ही एग से फॉर्म नहीं होता है. नाउ वी रीड अबाउट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. देर दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट एग लार्वा, और लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर. एंड देन चेंज इन टू प्यूपा एंड सिल्क मॉथ. लार्वा एंड प्यूपा स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ आर टोटली डिफरेंट इन अपियरेंस फ्रॉम द अडल्ट सिल्क मॉथ. इट इज द लार्वा और कैटरपिलर. लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर ऑफ ए सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूस सिल्क. यानी कि जो लार्वा होता है वही सिल्क को प्रोड्यूस करता है. एंड नॉट द अडल्ट सिल्क मॉथ, ना कि अडल्ट सिल्क मॉथ. लार्वा और कैटरपिलर ऑफ ए सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म. यानी जो लार्वा और कैटरपिलर के थ्रू सिल्क का उत्पादन जो होता है उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म. Now we describe the life history of silk moth. First thing, the female silk moth lay egg on the leaves. सबसे पहले जो female silk moth होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है? On the leaves of a mulberry tree. Second, the egg has to form worm-like larva. जो egg होते हैं वो किसके form में होते हैं? Worm-like larva के form में hatch होते हैं. The larva of silk moth are called caterpillar. और larva को हम क्या बोलते हैं? Caterpillar. और silk worm भी बोल सकते हैं. द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज. जो सिल्क वॉर्म होती है वो मलबरी ट्रीज के लीव्स को खाती रहती है और साइज में बड़ी हो जाती है. तो सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म. वहां पर सिल्क किसकी फॉर्म में फॉर्म्ड होता है? इन लिक्विड फॉर्म. इन द टू ग्लैंड्स इन द सिल्क वॉर्म हेड, जो कि हाँ सिल्क वॉर्म के हेड में जो ग्लैंड्स होती है वहां लिक्विड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. थर्ड वन,
When the silk worm or caterpillar is ready to enter the next stage of its development called pupa. यानी जब ये वो स्टेज होती है जब सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर दूसरे स्टेज में जाने के लिए तैयार होते हैं और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं प्यूपा. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ फैट द सिल्क वॉर्म सीक्रेट सिल्क इन लिक्विड फॉर्म. यानी कि इस मूवमेंट के थ्रू जो सिल्क वॉर्म क्या करती है सिल्क सीक्रेट करती है इन द लिक्विड फॉर्म थ्रू द टीनी ओपनिंग इन इट सेट. जो इसके हेड में जो टीनी ओपनिंग होते हैं उनके थ्रू क्या करना स्टार्ट कर देती है लिक्विड को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है. विच सोलिडिफाइड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम अ सिल्क. और जो जैसे ही एयर के संपर्क में आ जाता है कैसा हो जाता है सॉलिड बन जाता है. सून द सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली बाई सिल्क फाइबर. और कुछ ही दिनों में जो सिल्क वॉर्म होती है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से कम्प्लीटली कवर कर लेती है. द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड ककून. तो उसको हम क्या कहेंगे जो सिल्की कवरिंग होती है जो सिल्क वॉर्म के चारों तरफ से ढक लेती है और सिल्क मॉथ इज कॉल्ड ककून. तो उसको क्या बोलते हैं हम ककून. ककून होता है इज मेड बाय सिल्क वॉर्म टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट एज पीपा. सिल्क वॉर्म कैसे जो ककून होता है वो सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है और किसके लिए टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट एज पीपा. पीपा इज ए स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ व्हेन द कैटरपिलर बिकम इनकेस्ड इन हार्ड सेल. यानी जो पीपा होता है सिल्क फाइबर इन द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ जहां पर जो कैटरपिलर होता है बिकम ढक जाता है किससे हार्ड सेल से सिल्क फाइबर की जो हार्ड सेल से ढक जाता है और उसको हमने क्या नाम दिया ककून. द सिल्क वॉर्म कंटिन्यू टू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ पीपा इन साइड द ककून टू फॉर्म द सिल्क मॉथ. नंबर फोर व्हेन द प्यूपा इनकेस्ड इन ककून. जो प्यूपा किससे ढका होता है ककून से ढका होता है डेवलप फुली टू फॉर्म एडल्ट सिल्क मॉथ. और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है इन एडल्ट सिल्क मॉथ में. देन द ककून स्प्लिट्स अप एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम आउट. यानी कि जैसे ककून फटता है एक बहुत ही सुंदर सिल्क मॉथ उससे बाहर निकलता है. द एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ देन ले मोर एग्स. इन दिस वे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट टॉपिक वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो.